नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए घर बनाने से संबंधित हर तरह का वीडियो दिखाना चाहता हूं, ताकि अगर आप लोग घर बना रहे हो या फिर घर बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जा सके। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको एक लोहे के बने हुए गेट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्या साइज है, क्या इसका वेट है, इसको बनाने में कितना रुपये खर्चा आया, सारा जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इस गेट का साइज़। तो इसका साइज़ है 12 फीट बाई 7.5 फीट, मतलब हाइट इस गेट का 7.5 फीट रखा गया है। तो देखिए, इस गेट को बनाने में चार तरह का मेटल का उपयोग किया गया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गेट के फ्रेम के बारे में। तो इस गेट का फ्रेम लगाया गया है, उसे 1.5 इंची बाई 1.5 इंची का पाइप के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, जब भी आप गेट बनाते हैं ना, तो उसका जो फ्रेम रहता है उसको आपको मजबूत देना चाहिए, क्योंकि देखते होंगे जब गेट टूटता है तो सबसे पहले उसका फ्रेम ही डैमेज होता है। तो देखिए, ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं, ये 1.5 इंची बाई 1.5 इंची का पाइप का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको चारों साइड से दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। और ये जो पाइप आप देखेंगे वो दूसरा साइज़ का लगाया गया है, मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो पाइप देख रहे हैं, दो पल्ला है इस गेट का, और दोनों पल्ला में आप देखेंगे कि 1.5 इंची बाई 1.5 इंची का पाइप का इस्तेमाल किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके नीचे वाला पाइप के बारे में। तो ये देखिए, ये हल्का चौड़ा है, इसका साइज 2 इंची बाई 1 इंची का रखा गया है। और इसके बीच में देखेंगे तो 10 mm का स्क्वायर रॉड, मतलब स्क्वायर रॉड वाला जो हमारा सरिया होता है ना, स्क्वायर वाला सरिया, उसका इस्तेमाल किया गया है लगभग 1 इंच के दूरी पर। ये भी डिज़ाइन देख लीजिए, ये भी 10 इंच का स्क्वायर रॉड का ही इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है। नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर स्क्वायर रॉड का इस्तेमाल किया गया है। उस साइड भी देखेंगे सेम डिज़ाइन को कॉपी किया गया, जैसा आपने बाया साइड में देखा था। यह है इस गेट का हैंडल, इसे भी मजबूती देने के लिए 1 इंची बाई 1 इंची का पाइप का इस्तेमाल किया गया है, एक बड़ा हैंडल। और ये है जो गोल घुमा के खोला जाता है, उसे हम लोग आम भाषा में झूला लग बोलते हैं, वो है। और यहाँ पे देखेंगे तो रेडीमेड जो आता है ना हमारा क्लैंप, उसे लगाया गया है। अगर आप इस तरह का क्लैंप लगवाते हैं अपने गेट में, तो कुछ दिन के बाद देखते होंगे कि जो साधारण वाला हम लोग लगाते हैं क्लैंप, तो गेट है वो झुकने लगता है। लेकिन इस क्लैंप के साथ आप बनाते हैं तो बिल्कुल आपका गेट है वो जैसा आप जाम करेंगे उसी टाइप का टिका हुआ रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोड है वो नीचे वाला क्लैंप पर ही आ जाता है। तो इस टाइप का गेट का आप देख सकते हैं बनावट है। बात किया जाए, सबसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे कुछ बुंदा टाइप का डिज़ाइन लगाया गया है, जिससे हम लोग CI बोलते हैं, वो लगभग 30 kg का है, वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस गेट को बनाने में कितना रुपये खर्चा आया है। तो इसे प्रति KG के हिसाब से बनाया जाता है, और 80 रुपये प्रति KG के हिसाब से इसे अभी बनाया जा रहा है। गेट का वज़न 250 kg है, इसका मतलब ऐसा गेट अगर आप बनाते हैं 250 × 80 करेंगे तो 20,000 रुपया आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा गेट बनाने की आप ख्वाहिश रखते हैं तो आपको 20,000 रुपये के आसपास में खर्च करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो करने लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई आपका रिलेटिव है जो घर बना रहे हैं या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।